हे एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स फैंटम। माय नेम इज मनीषा और आज मैं आपको जो हमारी सीबीएसई की जो नई गाइडलाइंस आई है उस अकॉर्डिंग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ, जो आपके लिए जैसे फर्स्ट चैप्टर है हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, उसके और बाकी के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब चैप्टर्स के मैं वन मार्कर सीरीज लेकर आऊँगी वन बाय वन। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको फर्स्ट चैप्टर की इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की जितने भी इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट्स हैं वो करवाने वाली हूँ। सो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नाउ फर्स्ट चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इसमें जो सबसे पहले एसआई यूनिट्स फर्स्ट जो है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, जो हमारी सबसे पहली एसआई यूनिट है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज को सी से डिनोट करते हैं और इसको कहते हैं कूलम्स। ठीक है, ये कैपिटल सी है, इसको कूलम्स कहते हैं। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी है। जब फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं तो हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। ठीक है, ये फिजिकल क्वांटिटीज है स्केलर और वेक्टर टाइप्स। तो फर्स्ट जो यूनिट जिसकी है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज, इसकी यूनिट है कूलम्स, सी से इसको डिनोट करते हैं और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद में जो सेकेंड चीज है वो है के। ठीक है, के को हम प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कॉन्स्टेंट कहते हैं। अब अगर आपने कूलम्स लॉ पढ़ा हो तो ये फॉर्मूला कभी देखा होगा फोर्स के लिए, के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये जो के है, ये के, इसकी के की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। इस के का मतलब है ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं। तो इसकी यूनिट सबसे पहली चीज, तो जो ये के है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन टू चार्जेस। सपोज यहाँ पे मैंने एक क्यू वन चार्ज लिया है और यहाँ पे एक क्यू टू चार्ज लिया है। ठीक है, ये दो चार्जेस हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है आर और इनका जो नेचर है मतलब इन दोनों चार्जेस के बीच का जो मीडियम है उसके ऊपर वैल्यू ऑफ के डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मीडियम पर, नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन टू चार्जेस। एंड सेकेंड जो वैल्यू डिपेंड करती है के की वो इस पे कि सपोज यहाँ पे हमारे पास जो यूनिट्स हैं जैसे एफ है फिजिकल क्वांटिटीज में, क्यू है, क्यू टू है, आर है, तो एफ क्यू क्यू टू एंड आर, इनको, इन चारों यूनिट्स को मेजर करने के लिए जो हम यूनिट सिस्टम यूज करेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कौन कौन से टाइप के सिस्टम्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं, किस तरीके से यूनिट्स की मेजरमेंट करी जाती है, ये मैंने 11th के फर्स्ट चैप्टर में करवाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में इनको मेजर करने के लिए एफ यहाँ पे फोर्स है, क्यू और क्यू वन और क्यू टू ये दोनों चार्जेस हैं और आर इनके बीच का डिस्टेंस है। तो इसको मेजर करने के लिए जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स आप चूज करेंगे उसके ऊपर वैल्यू ऑफ के डिपेंड करती है। तो यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है कि वैल्यू ऑफ के किस चीज पे डिपेंड करती है, तो आप दो पॉइंट्स यहाँ पे लिख सकते हैं, फर्स्ट है नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन टू चार्जेस एंड सेकेंड वन इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसके बाद में इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, सेकेंड है हमारा के, इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहते हैं और जो इसकी यूनिट होती है के की यूनिट इसके अलावा जो के है इसकी जो यूनिट के अलावा जो आपके पास है यूनिट फॉर के इज अब जो k है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4πε0। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁻¹⁹। अब यहाँ पे आपके पास जो k है इसकी एक तो यूनिट इंपॉर्टेंट है, ये यूनिट है k की। इसके अलावा k की जो वैल्यू है वो 1/4πε0 के इक्वल होती है, जो होती है 9 × 10⁻¹⁹। इसके बाद में अब जो थर्ड है फोर्स,
फोर्स की यूनिट, ठीक है, फोर्स एफ इज इक्वल टू एम एम मास इंटू एक्सेलरेशन भी होता है, और कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स की वैल्यू ये भी होती है के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले से भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, जिसको हम कहते हैं कैपिटल एन, ठीक है, कैपिटल एन से इसको आप डिनोट करेंगे, ये होता है न्यूटन। इसके बाद में नेक्स्ट यूनिट है फोर्स के बाद में नेक्स्ट, जैसे अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दिया यहाँ पे, एफ इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे इसकी जगह आप के भी पुट कर सकते हैं वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह, बट अगर वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं तो इसमें जो ये एप्सिलॉन नॉट है इसकी यूनिट क्या होती है, सबसे पहली चीज जो ये एप्सिलॉन नॉट है ये परमिटिविटी होता है, ठीक है, या फिर इसको आप कह सकते हैं कि परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस, इसको एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं। और जो इसकी यूनिट है वो है सी टू एन माइनस वन एम माइनस टू, ठीक है, ये एसआई यूनिट है। इसके अलावा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है आपका नंबर फोर, नंबर फाइव इज इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हैं कि मतलब कि एक मैग्नेट है उसके आसपास का जो सराउंडिंग सरफेस है या फिर जो एक फील्ड क्रिएट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमारा एक इमेजिनरी पाथ है, ऐसे ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें क्या होता है, इसकी जो यूनिट है वो आप ये लिखेंगे एनसी माइनस वन, और इसको बोलते हैं न्यूटन पर कूलम्ब, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट है, इससे पहले वाली ये थी परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट के बाद में जो नेक्स्ट चीज है, अगर सपोज इसमें आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स अगर मैं बता दूं आपको तो आपके लिए और भी ज्यादा अच्छा हो सकता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी एसआई यूनिट के अलावा आपसे इसकी डायमेंशंस भी पूछी जा सकती हैं, डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ई से इसको डिनोट करते हैं, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है शू फोर्स अपॉन में चार्ज, ये फॉर्मूला है आपके पास। जब भी अगर आप किसी चीज की डायमेंशन करते हैं तो आप चाहें तो डायमेंशंस को डायरेक्ट लर्न कर सकते हैं, अगर आपसे डायमेंशंस लर्न नहीं होती है कि बहुत ज्यादा लेंदी लगती हैं, तो आपके पास सिंपल सा वे है कि आप उस चीज का जिसकी भी आपको डायमेंशंस निकालनी हो उस यूनिट को लिखिए, उसके फॉर्मूले को लिखिए, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ब्रेक करके आप डायमेंशंस निकाल सकते हैं। जैसे अब मैंने आपके पास यहाँ पे लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स अपॉन में चार्ज, तो अब जो इसकी डायमेंशंस है वो कैसे निकलेंगी, फोर्स की होती है एम एल टी माइनस टू, और चार्ज को सी से डिनोट करते हैं, इसकी जगह पे आप इसको लिख सकते हैं एम एल टी माइनस टू, सी की जगह पे ए डॉट टी, ठीक है। अब जो मेन डायमेंशंस निकलेंगे वो कैसे, एम एल टी, अब यहाँ पे वन है टी और ये ऑलरेडी टू है तो ये माइनस थ्री हो जाएगा क्योंकि ऊपर जाके पावर्स माइनस हो जाती है, और ये ए माइनस वन, तो ये डायमेंशन आती है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कि ऐसा यूनिट के साथ साथ आपसे डायमेंशंस भी पूछी जाती हैं, तो पर्टिकुलर चैप्टर में जितनी भी डायमेंशंस होंगी किसी भी यूनिट की तो वो मैं आपको दूंगी, और इसके अलावा मैं जल्दी ही एक ऐसी वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें आपको सारे बेसिक फॉर्मुलेस पर चैप्टर मिल जाए, मतलब जैसे जो भी चैप्टर्स हैं उनके सीक्वेंस में आपको सारे फॉर्मुलेस मिल जाए ताकि जब आप न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करें तो आपको दिक्कत ना आए। अब इसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद में नेक्स्ट जो देखिए हमारे पास तीन चीजें आती हैं, तीन सिंबल्स हैं, सबसे पहला आता है रो, फिर है सिग्मा और एक है लैम्डा, ठीक है। ये डेंसिटी की फॉर्म में करना है आपको, सबसे पहला जो रो है ये होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सबसे पहली जो चीज है वो है आपके पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बाद में सेकेंड है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसके बाद में है लाइन चार्ज डेंसिटी, लाइन चार्ज डेंसिटी। ये जो तीनों हैं ये तीनों हमारे जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में उसके ऊपर बेस्ड टॉपिक है। अब इनकी जो यूनिट्स होती हैं, फर्स्ट आपको दे रखा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी,
सेकेंड आपको दे रखा है सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड थर्ड दे रखा है लैम्डा और सॉरी लाइन चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये थ्री टाइप्स के यूनिट्स हैं। इसको आप क्या बोलेंगे, कूलम पर क्यूबिक मीटर, इसको बोलते हैं कूलम, कूलम पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, जैसे ये है कूलम पर क्यूबिक मीटर, ऐसे ही आप सिग्मा के लिए कूलम स्क्वायर मीटर और ये है कूलम पर मीटर। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट थी जिसके ऐसा यूनिट्स आपको पता होने चाहिए। ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आते हैं हमारा टॉपिक। इसके बाद में जो नेक्स्ट यूनिट है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल की। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मूवमेंट। अब नेक्स्ट है आपके पास डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट इसको आप पी से डिनोट करेंगे, पी वेक्टर। ठीक है, एक तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये चीज इसमें लिख लीजिए। इसके अलावा इसका फॉर्मूला होता है क्यू इंटू टू ए। ठीक है, पी इज इक्वल टू क्यू इंटू टू ए, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है सी एम, मतलब कि कूलम मीटर, कूलम मीटर। इसके बाद में नेक्स्ट जो है डाइपोल मोमेंट के बाद में नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप फाई ई से डिनोट करेंगे, इलेक्ट्रिक ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो ऐसा यूनिट होती है वो है एम सी माइनस और ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये इसकी एसआई यूनिट है। इसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट वो है फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी की एसआई यूनिट है ये। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट्स थी हमारे जो फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से। अगर इसमें आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, किसी भी मोमेंट पे लगता है कि हाँ ये वीडियो अच्छी है, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और चैनल को शेयर करिएगा।